ब्यावरा पुलिस ने करीब 21 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है। यह शराब 480 कार्टून में रखी हुई थी। पुलिस ने नाकाबंदी कर यह कार्रवाई की। आपको बता दें कि अवैध शराब की एक बड़ी खेप लेकर बाईपास से करनवास तरफ आ रहे वाहन को रोका गया। इसमें ट्रक ड्राइवर और क्लीनर से पूछताछ में उन्होंने अपना नाम राम कुमार शर्मा निवासी गंज बासुदा और जितेंद्र कुशवाहा निवासी जालौन बताया। ट्रक को खाली करने पर 480 खाकी कार्टूनों में अंग्रेजी शराब होना पाई गई। आरोपियों से 21 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब बरामद की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवराम दंडोतिया SDOP पूनम थापा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी करनवास, उप निरीक्षक संदीप मीणा, प्रधान आरक्षक धनसी यादव, प्रधान आरक्षक मंगल सिंह सहित पुलिस बल के साथियों का सहयोग रहा। ब्यावरा से मोहन वर्मा की रिपोर्ट। अवैध शराब की तस्करी को लेकर शुरू से ही कार्रवाई की जा रही है जो अभी तस्करी करते हैं उसके विरुद्ध। तो हमारे अनुभाग में करनवास थाना प्रभारी द्वारा एक कल एक बहुत अच्छी कार्रवाई की गई। कल रात्रि मध्य रात्रि को करीबन मध्य रात्रि की ये घटना है। हमें मुखबिर द्वारा ये सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति गुना तरफ से हमारे यहाँ जो कड़िया गुलखेड़ी जो इलाका है जो अवैध शराब को लेकर ज़्यादा परिचित है तो वहाँ इसकी सप्लाई डिलीवरी होने वाली है। तो जब ये सूचना करनवास थाने में लगी तो जो संदीप मीणा हैं करनवास थाना प्रभारी तो उनके द्वारा मुस्तैदी दिखाई गई और उन्होंने पूरे स्टाफ की मदद से चेकिंग पॉइंट लगाया और एम्बुश लगाए ताकि उस ट्रक को जो हमारा मुखबिर द्वारा जो बताया गया था कि फलाना व्यक्ति या इतने लोग बैठे हो ये संबंधित ट्रक पूरी शराब को लेकर आ रहा है तो उसको रोककर हमें चेकिंग पॉइंट लगाया। और जब ये पुख्ता हो गया कि ये वही ट्रक है जिसमें ये शराब है तो हमने जो थाना प्रभारी हैं हमारे संदीप मीणा तो उनके द्वारा संबंधित व्यक्ति से पूछताछ की। उसमें एक ड्राइवर है राम कुमार शर्मा, उसने अपना नाम बताया और उसका एक क्लीनर था जितेंद्र कुशवाहा निवासी जालौन। तो इनके विरुद्ध हमने अपराध पंजीबद्ध किया है 34-2 का। और ये जो हमारा जो सामान बरामद हुआ है जो शराब का उसमें 480 कार्टून और कुल 4147 लीटर अवैध शराब है। ये पूरी बॉम्बे विस्की की है ये शराब और 21 लाख इसकी कुल कीमत है। तो ये बहुत बड़ी सफलता हमारे जिले को प्राप्त हुई है अवैध शराब की तस्करी को लेकर। इन दोनों आरोपियों को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा और उनकी PR ली जाएगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पूछताछ कर सकें कि ये शराब कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी, ये ट्रक किसका है जो जब्त किया गया है। तो ये जिले के लिए बहुत अच्छी सफलता है। टोटल मजरूबा में कितना होगा लगभग? ये हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।